नमस्कार। साहित्य तक के साप्ताहिक कार्यक्रम बातें मुलाकातें में मैं जयप्रकाश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हिंदी साहित्य जगत की प्रतिष्ठित शख्सियत। केवल हिंदी साहित्य जगत नहीं बल्कि हिंदी और मैथिली में समान रूप से लिखने वाली प्रख्यात कथाकार उषा किरण खान जी। उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि उषा किरण खान जी ने हिंदी और मैथिली जगत को एक से बढ़कर एक अद्भुत कृतियां दी। आपके उपन्यास, चर्चित कृतियों का मैं नाम ले रहा हूं, पानी पर लकीर, फागुन के बाद, सीमांत कथा, रत्नारे नयन, अंगन हिंडोला, अनुत्तरित प्रश्न, हसीना मंजिल, भामती, सृजनहार। इसी तरह से अगर कहानी संकलनों की बात करूं तो गिली पाक, कासवन, दूबजान, विवश विक्रमादित्य, जन्म अवधि, घर से घर तक, काच ही बॉस। इसके अलावा नाटकों में कहां गए मेरे उगना, हीरा डोम, एक सरी ठाड़, मुस्कौल बला, बाल नाटकों में डैडी बदल गए हैं, नानी की कहानी, सात भाई और चंपा, चिड़िया चुग गई खेत, घंटी से बांधल राजू, बिरड़ो अबीगेल और बाल उपन्यास लड़ाकू जन्मेजय जैसी अनेकों कृतियां आपके कहानी संकलन, चयनित कहानी संकलन, प्रतिष्ठित कहानी संकलन, बहुत सारी किताबें, किताबों का नाम मैं लूंगा तो एक लंबी किस्त है, उसके लिए एक अलग सत्र मुझे करना पड़ेगा। आपको ढेर सारे सम्मान मिल चुके हैं जिनमें पद्मश्री से आप सम्मानित हैं, इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत भारती आपको मिल चुका है, महादेवी वर्मा जी के बाद लंबे समय बाद किसी महिला साहित्यकार को यह सम्मान मिला, हालांकि पिछले दिनों डॉक्टर सूर्यवाला को भी मिला था। इसके अलावा दिनकर राष्ट्रीय पुरस्कार, बिहार सरकार का राजभाषा विभाग का हिंदी सेवा सम्मान, विद्यानिवास मिश्र पुरस्कार, कुसुमांजलि पुरस्कार, ढेर सारे पुरस्कार आपके हिस्से में आए हैं। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए परिचय में ज्यादा वक्त नहीं खर्च करना चाहता हूं और उषा जी को उनके बचपन की ओर ले जाना चाहता हूं। कहां जन्म हुआ, किस परिवार में पली बढ़ी, शिक्षा दीक्षा क्या थी और इसके बाद हम आएंगे कि उन्होंने रचना कर्म की शुरुआत कैसे की। हमारे श्रोताओं को आप बताएं अपने बचपन के बारे में, अपने गांव के बारे में, गांव की संगी सहेलियों के बारे में, अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद जय प्रकाश जी, और आपने जो परिचय दिया था ऐसे भी कोई कम नहीं दिया, काफी दे दिया। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि दरभंगा बिहार का एक उत्तर बिहार का मुख्य जिला है, प्रमुख जिला है और विख्यात है। कम से कम भारत में अनेक विश्वविद्यालय हैं जिसको दरभंगा के महाराज ने भवन दिए और विश्वविद्यालयों की स्थापना में धन दिया, तो इस तरह से दरभंगा का नाम ऐसे ऊंचा है कि देश से लेके विदेश तक उन्होंने अपने भवन उन्हें दान दिए। उसका ये तो महाराज दरभंगा का हेडक्वार्टर दरभंगा है और एक सरकारी हेडक्वार्टर लहरिया सराय गांव नहीं है, वो सरकारी शहर है। तो उसी सरकारी शहर में हमारे बंगाली टोला नाम के मोहल्ले में हमारा जन्म हुआ, अभी भी हमारा घर वहां है। लेकिन उसके आजू बाजू का ही एक गांव मझोलिया बड़ा विख्यात था, जहां पर मेरे पिताजी ने जमीन दान करके मगन आश्रम की स्थापना की थी, जहाँ पंडित रामनंदन मिश्र का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, प्रसिद्ध एक समय के समाजवादी नेता जी जी। तो उन्हें, वो भी जमींदार के पुत्र थे, उनको अब उस समय अछूतोद्धार और गांधीवादी होना बहुत खराब माना जाता था और घर से उनको निष्कासित कर दिया गया था। तो इन लोगों का एक ठिकाना मगन आश्रम था जो मगनलाल गांधी के नाम पर बना था, महात्मा गांधी, तो गांधीवादी आश्रम था। उसके बाद मेरे पिता स्थान स्थान पर आश्रम बनाते चले, जैसे वहां से उठे तो उसे थोड़ा और इंटीरियर में, कई बार जेल गए स्वाभाविक है,
आजन्म कैदी थे जो 1945 में छूटे, तो वो लोग वहां से एक और इंटीरियर गांव होते होते उनका अंतिम पड़ाव पकड़िया नाम का गांव है जो कोसी में है, कोसी के अंदर जी। और वहां पर उनको महात्मा गांधी के संगठन वाले और समाज सुधार वाले खादी विचार वाले ग्रुप के थे, तो महात्मा गांधी ने कहा जो इलेक्शन अब लड़ोगे, देश आजाद हुआ तो उनके साथ जब नोआखाली में वो थे, इन्होंने कहा नहीं हम तो सेवा कार्य जो कर रहे थे वही करेंगे, तो उन्होंने कहा तो तब जो सबसे पिछड़ा क्षेत्र है वहां जाओ। तो कोसी क्षेत्र से पिछड़ा आज भी कोई क्षेत्र नहीं, और वहीं पर उन्होंने आश्रम भी बनाया, अपनी जमीनें भी खरीदी, क्योंकि अगर परिवार रहेगा तो अपना भी तो रहना चाहिए। जी जी सही बात। जंगल था, बिल्कुल जंगल था, और बहुत ही इंटीरियर आज तक है, बाद दोनों तटबंध बन गया तो और ज्यादा ही इंटीरियर हो गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक ट्रैक्टर खरीदा कास और पटेल के जंगल को तोड़ने के लिए, उसी में एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया। जिस समय मेरे पिताजी का देहांत हुआ उस समय मैं 12 साल की थी। अब शिक्षा दीक्षा की बात, तो मेरी शिक्षा दीक्षा शुरू से ही, मैं एक एलआर गर्ल्स हाई स्कूल है जो अब रामनंदन मिश्र हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है लहरिया सराय में, तो उसमें प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई। और मैं चूंकि अकेली बेटी थी तो मेरे बाद बहुत सारे भाई थे मेरे, लेकिन कोई था नहीं, तो मुझे पटना के एक छात्रावास में रख दिया गया। तो मैं 7 वर्ष की उम्र से छात्रावास में थी, मगर 2-3 साल रहने के बाद फिर चली गई लहरिया सराय। और मेरे पिताजी का जब निधन हो गया तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे और यहाँ के जो शिक्षा मंत्री, उन लोग मिल के लहरिया सराय के एलआर गर्ल्स स्कूल में उन्होंने हॉस्टल खोल दिया, और एक अकेली मैं लड़की हॉस्टल की छात्रा और एक अकेली सुपरिंटेंडेंट, और कोई स्थायी प्रिंसिपल नहीं थी, तो यहाँ से स्थायी प्रिंसिपल लेडी गई। इस तरह से लहरिया सराय में मैं अपने उस स्कूल में एलआर गर्ल्स स्कूल में पढ़ती रही। ये तो हो गया हमारी शिक्षा का। मेरी उम्र की लड़की स्त्री दरभंगा में बिल्कुल रेगुलर पढ़ाई करती रही, तो उसका संघर्ष जो भी हुआ होगा, मैंने कोई संघर्ष कभी नहीं झेला, ये सारा संघर्ष मेरे पिता और माता ही ने झेला होगा। पिता नहीं रहे, अब आप सोचिए कि मेरी माता अपने बच्चों का को भी पाल रही थी, खेत भी देख रही थी, मुझे पढ़ा भी रही थी, ये सब हो रहा था। और हमारी मित्र लहरिया सराय में भी बहुत सारे थी, बचपन से तो वहीं थे, घर भी वहां पर, लेकिन गांव जो वो पकड़िया गांव है, उस गांव में जो आबादी है अभी भी है। मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरा साहित्य पढ़ के ये पता होगा कि उसमें आबादी कुछ घर है, पासवान है, पासवान बहुल है, मुसहर है, कुजड़ा है, मतलब मुस्लिम में भी कुजड़ा है, यही आबादी। और इन सबों के साथ हम लोग का जीवन कटा, और आजू बाजू में हर तरह के मल्लाह हैं, कुम्हार हैं, मोची हैं, ये सब है, यादवों का तो इलाका है। तो बस इन्हीं लोगों के साथ जो हम लोगों का, जब हम हॉस्टल से घर जाते थे तो हमारा जीवन तो इनके साथ बीतता था, खेलना कूदना, जितनी शरारतें करना, तो हमारी सारी वो सब मित्र थी, अभी तक हैं। अभी भी मायके के गांव जाती हूँ तो खबर भेज दिया जाता है, अब मेरे घर का नाम मिनी है कि मिनी बहन आ रही है, बस सारी सब आ जाती हैं मिलने हमसे। और हम लोग सब जब जितने दिन मैं रहती हूँ, एक हम लोग के यहाँ सामा चकेवा खेल होता है भाई बहन का, वो कार्तिक में छठ के बाद होता है, कार्तिक पूर्णिमा को जल प्रवाहित हो जाती हैं सामा और चकेवा, तो वो खेलती हैं अभी भी स्त्रियाँ, गांव में तो जरूर खेलती हैं, सब आ जाती हैं, हम लोग सामा खेलने के लिए जुट जाते हैं, मिट्टी की मूर्तियां बनती हैं, कौशल है वो, मिथिला की कला और कौशल के विषय में कहने की क्या बात है, वो कौशल है।
और हम लोग सब अभी भी हम लोग बचपन में लौट जाते हैं, तो हमारा तो कुछ विचित्र तरह का इस तरह का जीवन भी था। एक तरफ तो क्रिश्चियन स्कूल में पटना में थी, जो जिसमें कि जमैकन टीचर लोग थे, अमेरिकन टीचर थी। उसके बाद लहरिया सराय में थी, वहाँ हॉस्टल में थी, वहाँ हमारी बहुत ही पढ़ी लिखी शिक्षिकाएं अधिकतर बंगाली उस जमाने में थी। मेरी पढ़ाई रुकी नहीं, जबकि मैं जब 15 साल या 16वें साल में थी तो उस समय मैट्रिक का एग्जाम 11th का दे दिया। और जो मेरे पति हैं वो मेरे पिता के मित्र के ही पुत्र हैं, वो देखभाल कर रहे थे मेरे पिता के गुजरने पर, तो उनके पुत्र से मेरी शादी की गई। जब वो उनके पुत्र नहीं चाहते थे, वो कहते थे कि अभी क्यों शादी करना है, अभी आइए का इम्तहान उन्होंने दिया, मुझसे 2.5 साल बड़े हैं, आइए का इम्तहान उन्होंने दिया था और मैट्रिक मैंने, उन्होंने कहा कि भाई अभी क्यों करते हैं शादी हम लोगों की। इन लोगों का काम था कि सामाजिक कारण से कर रहे थे, छोटी उम्र में शादी होती थी उधर, अभी तक होती है लगभग, तो उस उम्र में शादी कर देते हैं, तुम लोग अलग अलग हॉस्टल में रह के पढ़ाई करो। ऐसा ही किया भी हम लोगों ने, पटना के अलग अलग हॉस्टल में स्वाभाविक रूप से हम लोग रहते थे और पढ़ते थे, लेकिन उस समय शादी कर दी गई। अब ये हमारे पतिदेव बहुत पढ़ाकू आदमी है, आज तक भी आप अगर हमारे घर आएंगे तो आपको 40,000 उनकी किताबों की भीड़ देखने को मिलेगी, और हमारे पास 1,000 किताब होगी। तो बहुत पढ़ाकू, सब दिन के टॉपर टाइप के आदमी पढ़ाई लिखाई वाले थे, और वो इतने ही हार्ड थे पढ़ाई लिखाई में। और हमारी माँ भी, मेरे पिताजी की इच्छा थी कि उनकी बेटी एमए करे, पीएचडी करे, और वो समय पढ़े लिखे, उसके अलावा कोई इच्छा उनकी नहीं। जब हम उनसे कहते थे कि बाबू, जब सरोजिनी नायडू की बात करते थे, अरुणा आसफ अली वगैरह की बात करते थे, तो हम कहते थे हम क्यों नहीं उस समय जन्मे, छोटे थे तो ये समझ में नहीं आती थी। तो हमारे बाबूजी कहते थे तुम लोग के लिए देश में करने को बहुत कुछ है, हम लोगों ने उस समय जो किया उसके बाद तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, पढ़ाई लिखाई करो और अब देश का निर्माण करने का समय है तुम लोगों का, ऐसा बोलते चले ही गए। लेकिन मेरी माँ ने ये गिफ्ट हुआ, हालांकि उस जमाने में मिडिल बोर्ड पास थी, तो निरक्षर नहीं, तो मेरी माँ ने, जब मैं बीए में थी तो उस समय मेरी बेटी, बड़ी बेटी का जन्म हुआ, और उसके बाद मैं जाना नहीं चाहती थी, फिर बीए पास कर गई, वहाँ से चिट्ठी आई, पहले तो अखबार में निकलता था नाम, चिट्ठी आई कि मैं टॉप कर गई हूँ, बीए में पटना कॉलेज में पढ़ती थी। तो मैंने कहा मैं जाऊंगी नहीं, मेरी माँ ने कहा तुम्हारी बेटी तुमको पहचानती तो है नहीं, नहीं पहचानती थी, वो बहुत स्नेह करती थी, लेकिन उसको समझ में आता था कि कोई है बड़े इम्पोर्टेंट है, कोई भाई है। तो माँ बोली तुमको बेटी तुम्हारी तो नहीं पहचानती है, तुम यहाँ रह के करोगी क्या, और तुम अपना जाओ जाके एमए पास करो, मेरा वादा तुम्हारे पिता के साथ था कि तुमको एमए पास कराना है, तो तुमको जाना तो पड़ेगा। तो इस तरह से मेरी पढ़ाई लिखाई और मेरा सब कुछ उस मेरे पति और मेरी माँ, तो कुछ भी झेलना हुआ होगा इन लोगों ने झेला होगा, हमने झेलने की मानते हैं। तटबंध बन गया था, खेत में उपज बंद खत्म हो गई थी, तो बहुत बड़ा झेलना हुआ होगा, लेकिन ये बात मेरे ससुर और मेरी माँ जानते होंगे। हम लोग छात्र थे, तो हम लोग, कई लोग मुझसे पूछते हैं, शायद आपके भी मन में होगा कि पुलिस अफसर के घर में, हालांकि पुलिस अफसर एमए पास करने के बाद वही परीक्षा देता है जो कोई करता है, लेकिन ऐसा मन में आता है, मन में। तो एक पुलिस अफसर से या किसी भी अफसर से मेरी शादी थोड़ी हुई, एक छात्र से हुई, जैसे मैं, सही बात। तो हम लोग का विकास एक ही तरह से हुआ, ये मेरे बचपन। लिखने पढ़ने की तरफ आपकी रुझान कैसे हुई? आपने देखिए, आपके जीवन से कई चीजें उभर के आती हैं। हमारे जो साहित्यकार, जिन भी वरिष्ठ साहित्यकारों से मैं बात करता हूँ, किसी के जीवन में बहुत संघर्ष रहता है। संघर्ष आपके जीवन में एक अलग तरह का संघर्ष था जो सामाजिक था, वो कोई निजी संघर्ष आपका कम था। एक संघर्ष जो परिवार में पिताजी ने
समाज के लिए, देश के लिए, क्षेत्र के लिए चुना, गांधी जी के नारे पर चुना, स्वाधीनता और आदर्श के चलते आपके जीवन में एक कोई संघर्ष जैसी अगर कोई स्थिति थी तो वह एक आदर्श के चलते थी, न कि कोई आर्थिक संकट था या दूसरे तरह का संकट था। तो इस रूप में आप सौभाग्यशाली रही। मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आपकी शादी हो गई, जो आप बता रही हैं आज के हिसाब से बाल विवाह हुआ था और छात्र जीवन था, अपब्रिंगिंग थी, अच्छा खान साहब जो है मतलब श्री रामचंद्र जी जो है वो पुलिस में, तो एक पुलिस अफसर जो कि खुद बहुत पढ़ाकू व्यक्ति थे, किताबों में ही उनका जीवन आप बता भी रही हैं, मैं जानता भी हूँ, सुना भी हूँ, और ये चर्चा आपके जितने लोग आपके घर में गए हैं सभी ये बात करते हैं कि कुछ भी पूछना हो, ये अगर पिछले दिनों भी मुझे किसी ने कहा कि कोई चीज संस्कृत की बात है तो वो आप बता देंगे, आप फोन कर लीजिए आपको बता देंगे। तो आपकी रुझान लेखन की तरफ कैसे हुई, और आपकी उम्र में अमूमन लोग कविताएं लिखते थे, वो भी प्रेम कविताएं या दूसरी कविताएं, कविता से शुरू करके लोग दूसरी तरफ आते रहे हैं, आप कथा के क्षेत्र में गई, कविता को क्यों नहीं चुना और लिखना शुरू कैसे किया? पढ़ने लिखने का ये सिलसिला है कि मेरे पिताजी का भी पुस्तकालय बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा, बहुत किताबें थी, और उसके अलावे वो देते भी थे लाके हम लोगों को बचपन में भी, छोटे छोटे बच्चों की जो हिंदी अंग्रेजी की कहानियाँ और वो सब कविताएं, जो भी तरह तरह की चीजें पढ़ने को देते थे और बताते भी थे। तो पढ़ने का रुझान घर में भी, क्योंकि घर में सब पढ़ने लिखने वाले पिताजी थे और कोई था ही नहीं, माँ थी पिताजी थे, तो माँ भी तो पढ़ी थोड़ी लिखी थी और वो भी संस्कृत भी बहुत पढ़ी लिखी थी, और इधर अंग्रेजी मीडियम से उन्होंने मिडिल बोर्ड पास किया था, तो मूर्ख कोई था नहीं, और तो पढ़ाई का रुझान था। और पहले स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हर प्रकार के लोग जुड़े होते थे, जैसे आश्रम में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वगैरह जाके ठहरते थे, उस पुस्तक भंडार और खादी भंडार आमने सामने था, जहाँ पिताजी का खादी भंडार था और पीछे में घर था, तो पुस्तक भंडार आप देखेगा कि आचार्य श्री पूजन सहाय या हवलदार त्रिपाठी या जितने उस समय के लोग थे वो वहाँ पुस्तक भंडार शाम को बंद हुआ, आके खादी भंडार में बैठे और वहाँ दिनकर जी, आरसी प्रसाद सिंह, बेनीपुरी, ये सब कोई एक जगह बैठ करके वो लोग हंसी मजाक पढ़ाई लिखाई की ही बात, तो साहित्यकारों से तो घिरा हुआ हमारा अपना परिवेश था, उन्हीं लोगों के साथ पले बढ़े। उसके बाद ये हुआ कि नागार्जुन के यहाँ से संबंध हुआ, किसी जेल में मेरे पिताजी से मुलाकात हुई थी। मेरे पिताजी और नागार्जुन में कोई अपना ऐसा संबंध पहले नहीं था, बाद में हुआ है, कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन सब जानता है कि वो मेरे एकदम सगे चाचा हैं, बहुत जगह पिता समझते हैं। लेकिन पिताजी के नहीं रहने पर, जैसे हमारे जो हुए ससुर बाद में वो और व्यवस्था देख रहे थे, तो एक तरह से नैतिक समर्थन नागार्जुन का ही था, तो लोकल गार्जियन भी हमारे नागार्जुन ही थे, तो उनसे, लेकिन मैं कविता जरूर लिखती थी, ऐसा नहीं। अच्छा। मेरी शुरुआत कविता से हुई, और नागार्जुन जी के साथ जब मैं इंटर वगैरह में पढ़ रही थी, तो नागार्जुन जी के साथ मैं आ रहा तो गया, जहां जहां वो जाते थे कविता पढ़ने के लिए, मंच पर मैं जाती थी कविता पढ़ने को। कोई कविता याद है आपको? प्रेम कविता मैं नहीं लिखा करती थी, तो इस पर नामवर सिंह ने बोला भी था वहां पर एक गया सम्मेलन में, तीन चार लड़कियों ने कविता पढ़ी थी, जो उसमें मैं भी थी, तो कहा, पूछा हमसे जो तुम्हारा ऑनर्स था, मैं बी ऑनर्स थी उस समय, पूछा जो क्या ऑनर्स है तुम्हारा, और लड़कियों से पूछा तुमका हिंदी ऑनर्स था, मुझसे पूछा तो मैंने कहा इतिहास और पुरातत्व, तो उन्होंने कहा इसीलिए तो कविता भी दूसरे तरह की है तुम्हारी। उसी समय तो मेरा वो प्रेम कविताओं वाला कोई टॉपिक नहीं था, इंस्पायर्ड आदमी इंस्पायर्ड घर के थे, तो इसी तरह की भावना थी, और मैं
और आप जो कुछ जानना चाहते हैं बहुत कुछ तो हमें आपको मेरे संस्मरणों से मिलेगा जो किताब छपके वाणी प्रकाशन से आ रही है। तो यही बात है, कविता से शुरुआत जी। हुई सर, एमए करने के बाद और मेरे पति आईपीएस हो गए, रोजी रोटी के लिए कुछ तो करना था, तो तब हमारी गृहस्थी बसी, तब हमारी गृहस्थी शुरू हुई। गृहस्थी शुरू हुई तो 5-8-9 साल तो हम उसमें लगे रह गए, बच्चे भी थे छोटे तो उनमें लगे रह गए। उसके बाद जब पटना में हम आए तो पटना हमारा एक तरह से घर है, बचपन से लेके मेरा यूनिवर्सिटी पटना, हमारा सब कुछ पटना। हमने कहा कि पटना म्यूजियम जो है मेरे लिए, काबा कैलाश, सभी हिस्ट्री वालों के लिए होता है। तो हम लोगों का तब यहाँ आके फिर खुल जाते हैं हम। तब मेरे मेरी सबसे छोटी बेटी भी स्कूल जाने लगी और बाबा ने कहा अब करोगी क्या, कुछ लिख पढ़ रही थी वो करोगी कि नहीं बाबा, नागार्जुन देवी जी जी। अब मैं अब कविता नहीं लिखूंगी। तो उन्होंने कहा क्या लिखूंगी, कहा जो मैं लिखूंगी अब कहानियां लिखूंगी। बड़े खुश हुए, बोले कहानी लिखो उपन्यास लिखो। आजादी का 30 वर्ष हो गया है, 77 की बात है, इस 30 वर्ष में तुम लोग ऐसे ही परिवार जी, वर्षों में क्या प्राप्त हुआ और क्या नहीं हुआ इस विषय में तुम लिख सको। और मैं कहानियां लिखने लगी, यही हमारा कहानी लिखने का वही 77 से मैंने गद्य की ओर। मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे जो श्रोता हैं उनको हमेशा ये लगता है कि उषा किरण जी के साथ खान नाम क्यों लगा है, ठीक है? तो एक तो खान के पीछे की जो कहानी है मुझे पता है, लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोताओं और दर्शकों को नहीं पता होगी, तो उसके पीछे की कहानी आप बताएं कि ये खान टाइटल दरअसल आपके यहाँ ब्राह्मणों को कैसे मिली? यही तो भ्रम है, आपको भी नहीं ठीक से पता है। कारण यह है कि ये खान जो टाइटल है, ये कई लोग कहते हैं कि खान है जो खान ना हुआ है। हो सकता है कि आप अंग्रेजी में अगर लिख रहे हैं तो के एच ए एन का हिंदी अनुवाद खान होगा, ठीक है जी। लेकिन मैं भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा टाइटल नहीं है, मेरे ससुराल का टाइटल है, मेरे घर का टाइटल चौधरी है, तो चौधरी भी ब्राह्मणों का कोई बड़ा प्रचलित टाइटल नहीं है, मगर जो जी जी वो खान की तरह नहीं है। अभी खान जो है ना, वो मैं पहले नहीं जानती थी, लेकिन लोग बहुत पूछते थे, और हमारे तरफ ससुर के घर के लोग हमेशा ये कहा करते थे कि हम लोगों को किसी ने टाइटल दिया नहीं है, ये हजारों साल से है, मगर अपना इतिहास ठीक से नहीं जानते थे, मगर मेरे ससुर जानते थे जरूर, मगर ऐसी कोई बात करने का मौका नहीं आता मिला, नहीं तुम बताते। हुआ ये कि जब मैं विद्यापति पर पीएचडी जब मैं कर रही थी, तो मैं मिथिला, मेरा है सामाजिक सांस्कृतिक मिथिला पर कर रही थी। हालांकि विद्यापति एंशियंट इंडिया में नहीं आते हैं, लेकिन विद्यापति को छोड़ देंगे तो फिर लिखेंगे क्या, ये सोच के टॉपिक हमने अपने गुरुजी डॉक्टर उपेंद्र ठाकुर से पूछ के 14वीं 15वीं तक ले आए। तो विद्यापति को पढ़ने के क्रम में मैंने देखा कि उन्होंने लिखा है इसमें कीर्ति पताका, उनकी एक पतली सी किताब है, नाम जरूर सुना होगा आपने, कीर्ति पताका। जी जी जरूर जरूर। तो महाराजा कीर्ति सिंह जो जीत गए थे अरसलान से, युद्ध जीते थे, उसी पर उन्होंने कीर्ति पताका लिखा। और जौनपुर का वर्णन है, जो जौनपुर के जो सुल्तान थे उनसे मिलने आए, फिर वहाँ भी दिल्ली भी दरबार हो गए, कुछ अपना वो राजनयिक भी थे, विद्यापति कवि सिर्फ नहीं थे, वो राजनयिक थे, माने जिसको आजकल एडवाइजर आप कहते, तो उस तरह का वो एक तरह से कुछ नाम अजीब तरह का था, राजनयिक थे वो। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि कीर्ति, राजा कीर्ति सिंह की कीर्ति कीर्ति पताका जरूर फहराएगी, अब क्यों नहीं फहराएगी, क्योंकि इनके सेनापति आनंद खान जो है,
उत्खनन, ये है लिखा हुआ 14वीं शताब्दी में। जी जी तो ये तो पहली बात हो गई। उसके बाद उस पर जब बातचीत हुई तो आगे शायद पाणिनी के अष्टाध्यायी में कहीं ये चर्चा है कि खण धातु से खाण बना है, कई टाइटल पर चर्चा है, झा उपाध्याय से हुआ है, खण धातु से खाण हुआ है, ये चर्चा है। तो मिथिला में दो तरफ से लोग आए, एक गुजरात के तरफ से, पश्चिम से ही पूरब की ओर आए हैं, ये तो सब जानता है जी, कि चादर को आकर के बना था, और कश्मीर से लोग आए, ये लोग कश्मीर तरफ के हैं जो खाण लोग हैं, कुछ रूप स्वरूप भी कुछ अंतर है। तो जी जी, हमारा जो लाइन है वो है गुजरात का, उन लोगों का कश्मीर। खैर, तो ये खण धातु से बना हुआ खाण है, और जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने टाइटल दिया, तो मुसलमानों का दिया हुआ टाइटल कम से कम इन लोगों में नहीं है, क्योंकि तो जिस जगह की चर्चा विद्यापति करते हैं मूलतः ये लोग उस जगह के हैं। और आपको पता होगा कि मिथिला के ब्राह्मणों और कायस्थों की पंजी व्यवस्था है, जी जी। सबकी पंजी लिखी हुई है, तो पंजी के अनुसार मूल और गोत्र जो निर्धारित होते हैं, तो खान टाइटल या खान टाइटल में 8-10 मूल और गोत्र अलग अलग हैं, ऐसा नहीं कि एक ही है, ऐसा नहीं कि जितने गांव के में खान है सब एक ही है, अलग अलग भी है, क्योंकि जैसे झा मिश्रा अलग अलग होता है, पांडे अलग होता है, उसी तरह मूल गोत्र अलग अलग सबके हैं। तो ये खान जो है वो अब आपको बताएं कि वो लोग जो थे मंगोल लोग, कुबलई खान और चंगेज खान, वो लोग तो कोई मुसलमान नहीं था, मगर चंगेज खान और कुबलई खान लोगों का जब पतन हुआ होगा, उसके बाद जो इस्लाम धारण किया होगा अफगानिस्तान और बलूचिस्तान और सीमा प्रांत के लोगों ने, पठानों ने खास करके, तो वो जितने खान थे वो सब खां हो गए, तो वो मुस्लिम से वो टाइटल रूढ़ हो गया, वरना खान एक अलग चीज है। और इतना हम किसी को क्यों बताएं, आप आज पूछ रहे तो हमने बता दिया। सही बात सही बात है। अच्छा, मैं आपके रचना क्रम पे आता हूँ। आपकी जो कहानियां और उपन्यास हैं, उनमें मैं अगर कहूं कि एक अलग तरह का उद्दाम प्रेम, एक स्थानीयता और एक इतिहास बोध, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मेरी इस बात से आप कितना इत्तफाक रखती, मैं सही समझ पा रहा हूं या गलत? देखिए, मेरा जहाँ पर मैं जिस स्थान को, स्थानीयता जो आपने कहा वो सही है, और मैंने हमेशा कहा कि मैं कोसी के दोनों तटबंधों के बीच से जो लेखक हूँ, तो वहां से कोई मैथिली का भी लेखक नहीं था मेरे से पहले, बाद में एक आध हो रहा है, हुआ नहीं, बहुत कम ही है। और मैं जिस स्थान से हुआ तो पढ़े लिखे भी लोग नहीं है, आज के समाज के हिसाब से उसको आप दलित कह सकते हैं, तो हमने उन लोगों का कोई दुख ऐसा नहीं देखा, क्योंकि जमींदार नहीं है कहीं कोई यहाँ, और सब जगह डिस्पैरिटी होती है तभी दुख होता है। जैसे हमको कोई तकलीफ नहीं समझ में आई, हमारे जीवन में जो कुछ है वो जो उस तरह के लोग होंगे उनको बड़ा दुख नजर आएगा, आर्थिक कष्ट भी नजर आएगा, लेकिन हमको तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने जीवन पद्धति हमारी वैसी, वो भी जो वहाँ के जो हैं, सो पुरुष और स्त्री सभी का जीवन एक ही दुख और एक ही सुख के साथ बंधा हुआ है, यहाँ तक कि अगर बाढ़ इतनी अधिक ज्यादा आ जाती है तो गांव के सारे लोग, गुजरा और मुसहर दुसाद और ब्राह्मण का जो एकाध घर, सब एक साथ नाव पर सवार हुए तटबंध पर एक साथ बैठता है, उनका दुख और सुख सबों का बराबर है, और सब बड़े आनंद में भी रहते हैं। ऐसी जिजेविषा भी आप नहीं देखेंगे जैसी उन लोगों के अंदर है, कि फिर से वो घर बनता है जब पानी चला जाता है। अच्छा, वहां पर कोई पक्का वक्का घर नहीं बन पाता है क्योंकि बाढ़ से गिर जाएगा, फिर वो छप्पर उठाते हैं,
उपज अच्छा ही हो जाता है खाने पीने लायक, किसी को हम भूखे मरते आमतौर पर नहीं देखे, और क्योंकि कुछ ना कुछ उपजता है, उपजाऊ है, पानी वाली जमीन उपजाऊ होती है। और फिर उसी तरह घर को सजा लेते हैं लोग, जैसे बार 4-5 साल पर इतना अधिक आता है जो जाना पड़ता है, ये है। और उसमें प्रेम भाव, उद्दाम प्रेम, उद्दाम नदी की धारा ही की तरह है। मैंने जो कुछ कहानियां लिखी वो कुछ कल्पना से नहीं लिखी, या कोई मैत्री विमर्श के कारण नहीं मैंने लिखा, जो है वही लिखा। ये है कि छोटी उम्र में उन लोगों की शादी हो जाती थी या गौना होता था बाद में, और छोटी में जो शादी होती थी उस पति के प्रति और उस पत्नी के प्रति बड़ा आपसी लगाव होता था, जबकि कोई नहीं, याद भी नहीं होता था, पहचानते भी नहीं थे किसी को, लेकिन एक पता नहीं कौन सा लगाव होता था। और एक उन लोगों के यहाँ रिवाज है कि बिया हुआ, माने वो पहली शादी जो हुई ना, वो बिया हुआ लड़का और बिया हुआ लड़की, इन दोनों का एक हमने जो देखा अनुभव किया, क्योंकि वो सारी सहेलियां मेरी थी, और उनका तो एक मेरी कहानी जो मौसम का दर्द है, जिसके विषय में लोग कहते हैं कि आपने लिखा है कि घाट बाट में प्यास लगे तो आदमी पिए नहीं पानी किसी कुआं तालाब से, कि घर में आके पानी पीने के लिए मर जाए, सूखे से प्यास के मारे मर नहीं जाएगा। इसी तरह जीवन में यदि कुछ इस तरह का माने प्रेम आ जाए, यौन क्रिया हो जाए, तो उसको इतनी अहमियत नहीं देते। अब ऐसे समय में जयप्रकाश जी, उसको याद आती है वेद की उक्ति। अब देखिए ये लोग बिल्कुल वहीं पहुंची हुई है, वेद में ये जी जी उक्ति है कि स्त्री कभी अपवित्र नहीं होती है, एक बार यदि किसी के साथ यौन संबंध हुआ, चाहे जिस कारण से हुआ हो, अगले रजस्वला होने तक ही वो अपवित्र है। अगली बार रजस्वला हुई, रजो स्नान किया, उसके बाद वो फिर पवित्र है। तो आप इसको यहाँ देखिए ना, वो अगर घाट बाट में किसी के साथ उसका किसी कारण से उसका संबंध हो गया, मगर उसका आत्मिक जुड़ाव उसी बिया हुआ के साथ है, इस तरह की भावना और धारणा लोगों में है। तो उद्दाम प्रेम नदी के वेग की तरह ही आता है, और नदी के उतरने की तरह वो समाप्त भी हो जाता है, लेकिन जीवन की गाड़ी वो अपने तरीके से चलाती रहती है। मैंने क्या उन बात। लोगों की, हाँ, उन्हीं लोगों की मैंने कहानियां अधिक लिखी। आप जो कह रही हैं वो तो जो आज की समय में जो नारी विमर्श है उसका सबसे उत्कृष्ट रूप, मतलब आज की नारी भी शायद इस भावना को समझ नहीं पा रही होगी, ना और जो भी वो मांग कर रही हैं ये उसके उससे भी परे, कहीं इसमें अध्यात्म और दर्शन और एक आदर्श संबंध, जो प्लेटो का आदर्श राज्य है, उस तरह की परिकल्पना है, हालांकि वो एक तरफा था। हाँ मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आप ऐतिहासिक कथानक बुनती हैं तो इतिहास और कल्पना के बीच इतना शब्दों का, मतलब जो आपके शब्द हैं वो बहुत ललित हैं और बहुत लालित्य से भरे हुए हैं, बहुत ही सीधे मर्म को छूते हैं। क्या चीज ज्यादा प्रभाव डालती है, आपका अध्ययन, आपकी कल्पना या इतिहास बोध? इतिहास देखिए, जब मैं लिखने बैठी थी उस समय अपने मन में मैंने ये संकल्प किया था कि चूंकि इतिहास पुरातत्व की व्यक्ति हूँ, और मैंने ढेर सारे रेफरेंस के लिए बहुत सारा पढ़ लिया, जरूरत नहीं थी, जो ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रट के पढ़ते हैं उनको नहीं जरूरत होती है, लेकिन जो जिज्ञासु होते हैं उनको जरूरत होती है। तो जिज्ञासु होने के कारण मैंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया था। तो उस समय मैंने अपने मन में संकल्प किया कि इतिहास की ओर कभी नहीं जाऊंगी, जाऊंगी तो शायद बहक जाऊंगी, लेकिन जो नियति है वो तो आपकी उंगली पकड़ के वहां ले जाती है आपको। और मैंने सबसे पहला हसीना मंजिल एक तरह से इतिहास बोधी है कि कैसे जी मैंने आज के लोगों को नहीं पता है कि कैसे पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान बना, और पूर्वी पाकिस्तान के साथ क्या हुआ कि अंततः बांग्लादेश बना, और वहां से जो बिहारी मुसलमान कह के काट डाले गए
क्यों और उनके साथ क्या हुआ नहीं पता है, तो वो एक तरह का इतिहास ही है। मैंने वहां पर लिखा था, वो तो एक समझिए कि सामाजिक अनुभव का इतिहास है, उसमें मेरे आंख के सामने में हुआ है, मैंने मेरे जीवन काल में मेरे आंख के सामने में हुआ है, तो ऐसा मेरे लिए इतिहास नहीं है, आगे पढ़ने वालों के लिए। लेकिन जब मैं उसके बाद मैं भामती लिखने बैठी, भामती ये इतिहास का विषय था, वो एक एक सिर्फ एक छोटी सी किंवदंती थी कि वाचस्पति मिश्र लिखते रह गए, पत्नी की ओर ध्यान नहीं दिया, और जब ध्यान दिया तब पत्नी ने कहा, पत्नी ने पूरी सेवा की, पत्नी ने कहा कि मुझसे आपका कुल नहीं चलेगा, क्योंकि अब वो उनका समय बीत चुका था संतान उत्पत्ति का। तो उन्होंने वाचस्पति मिश्र ने सोचा ये तो बहुत बड़ा अपराध हुआ कि एक स्त्री को माँ बनने से मैंने वंचित रखा, कुल का तो जो होना है सो होगा। उन्होंने कहा कि कुल कौन 18-20 खाड़ी के बाद कुल रहता नहीं, वाचस्पति मिश्र ने कहा। तो समझिए कि मैं आपको ये संतान देता हूँ अपने पूरे परिश्रम के फल के रूप में, उस अपनी टीका का नाम भामती टीका रख दिया। यह है किंवदंती, और उस किंवदंती को पुष्ट करता है वो पुस्तक जो भामती टीका है। उसके बाद वो इतिहास तो है, लेकिन इतिहास के साथ साथ जब मैंने सोचा कि मैं भामती पर मुझे लिखना चाहिए, क्योंकि मेरे गुरु उपेंद्र ठाकुर हमेशा कहा करते थे कि भामती पर तुम लिखना, तो मेरे मन में आता था उसमें विशेषता क्या थी कि भामती ने इतना समय बिताया और उन्होंने भामती जी का नाम दिया, वो भी इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जैसे हम लोग लिखते हैं तो अपना नाम ऊपर में रहता है ना, खड़ा भामती उषा किरण खान, तो पीछे में होता है संस्कृत साहित्य में, पीछे में होता था, अंत जब करते थे तब वहां पर लिखते थे मैं फलाने गुरु का शिष्य, फलाने पिता का पुत्र, फलाना कुलोद्भव, फलाना अपना, मैंने इतना लंबा जी। अब उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा भामती पति वाचस्पत्यो हम। अब ये तो संसार में मैंने अभी तक नहीं सुना कि कोई भी, उसके बाद उन्होंने चार पांच किताबें लिखी, सब में उन्होंने लिखा भामती पति वाचस्पति हो। ये कितनी बड़ी बात, यही मुझे बहुत बड़ी। हाँ, तब मैंने लिखा भामती अविस्मरणीय प्रेम कथा, तो उसके लिए मैंने खूब फिलोसफी पढ़ा, जो कि मुझे पसंद नहीं फिलोसफी, लेकिन मैंने पढ़ा और इसीलिए इतिहास बोध तो मेरे अंदर होना है। जब अगनी डोला लिखा तो 4 साल तक मैं खाक छानती रही, शेरशाह नामा, हुमायूं नामा, आईने अकबरी, गुलबदन बेगम की हिस्ट्री और जनरल हिस्ट्री तो पढ़ा है, इतना करके उसके बाद मैंने शेरशाह पर कलम उठाई। तो ऐतिहासिकता आप खोज के भी आपको नहीं मिलेगा कहीं पर कोई लूप होल, और उसमें ऐतिहासिकता में नहीं मिलेगा, लेकिन कल्पना तो जोड़ेंगे ही ना, बिना कल्पना के कोई उपन्यास तो हो नहीं सकता है, तब तो इतिहास की पुस्तक हो जाएगी, तो कल्पनाएं तो हैं। इसी तरह विद्यापति की जो है, विद्यापति पर जो उपन्यास है सृजनहार, सृजनहार तो बहुत ही मतलब उसको हम लोग डार्क एज कहते हैं हिस्ट्री का, क्योंकि वहां पर बहुत केओस था, बहुत केओस था, उसमें तुगलक एक, तुगलक दो, तुगलक तीन, लोदी, ये लोग सब थे, तो उस चक्कर में तो बहुत ही परिश्रम पड़ा, और उस परिश्रम के बाद मैंने लिखा ताकि उसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो इतिहास बोध पर मेरी नजर पैनी रहती है, मगर कल्पना के बिना नहीं हो सकता है, तो कल्पना रहती है। आपने जो है एक बार नागार्जुन और यायावर जी को स्मरण करते हुए कहीं पे एक जगह लिखा है कि मात्र साथ चलने, रहने और अनुभूतियों के स्फुलिंग से अपने आप को समृद्ध करने का लाभ अद्वितीय है।
आज के समय में जब सारी दुनिया इंटरनेट पर टिक गई है और लोगों के एक उंगली पर सारी जानकारी उपलब्ध है, शहर उपलब्ध है, चित्र उपलब्ध है, तो आप घुमक्कड़ी को यानी यात्राओं को कितना महत्व देती हैं? ये जो गूगल है या उस पर जो भी टॉपिक हम देखते हैं या बच्चे जो हमको भी अच्छा लगता है किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं और बच्चों के सामने कहते हैं पोती लोग बैठी रहेगी, 2 मिनट में वो खुद खा के आपको बता देंगे, लेकिन उससे वो अनुभूति सचमुच नहीं आती है जो अज्ञे जी के साथ, जैसे अज्ञे जी की जानकी जीवन यात्रा निकल रही थी या नागार्जुन जी हमारे घर में थे, उन्होंने लिखने के समय में भी कहा था उपन्यास लिखना है तो पहले अज्ञे जी को फिर से पढ़ लो, क्योंकि उपन्यास इतना बढ़िया, ऐसी भाषा, ऐसा निर्वाह कोई दूसरा नहीं करता, ये नागार्जुन जी ने कहा। वो उन लोगों की हमको लगता है कि उस पीढ़ी में कोई कहवा दे तो कहवा दे, वरना ये लोग उजल नहीं बोलते थे एक दूसरे के बारे में। सही बात, मैंने कम से कम मुझे नहीं पता। जी जी हाँ, तो उन्होंने कहा कि अज्ञे जी की यात्रा जा रही है, तुमसे नहीं कहा, तुम गई थी छोड़ने गंगा शरण सिंह के यहाँ से, उन्हीं का चरण छू करके, तो गंगा बाबू मेरे पिता के मित्र थे तो बाबूजी ही उनको कहते भी थे, तो गंगा बाबू ने कहा जो कब जाओगी तुम लोग, हमने कहा कि हमारी बेटी का इम्तहान हो जाए, तो छोटी बच्ची का कहा जो ठीक है, बाबा ने कहा कि अरे हम तो हैं सबको घर में, इतने लोग हैं, राम बाबू हैं हमारे पतिदेव के बारे, जाओ तुम लोग, तो हम और शंकर दयाल जी की पत्नी कानन बाला सिंह हम दोनों चल दिए। बाबा का यही कहना था जो हमने लिखा है, मेरे जैसे औघड़ पगले के साथ जीवन बिताई हो, अब तुम उनके साथ जाओ जो बिल्कुल दूसरी तरह के हैं, उन्होंने कहा। वहां जाओ और देखो कि अज्ञे जी कैसे रहते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे चलते हैं, उनका सब कुछ देखो और तब तुमको एक अच्छी अनुभूति होगी, ये होना चाहिए, बाबा ने कहा। और हम चल दिए, हम और कानन जी, तो खैर उनके साथ उसके बाद कई बार शिविरों में हम लोग साथ रहे, अज्ञे जी बहुत हमसे बातचीत भी करता, खूब हंसते थे, बल्कि शंकर दयाल जी ने एक बार कहा भी, कई फोटो आप देखिएगा जो पूरा खुल के हंस रहे हैं अज्ञे जी, जैसा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो शंकर दयाल जी कहते थे कि उषा जी इनका तो मुंह दुख जाएगा बेचारे का, जीवन में तो नहीं इतना हंसे होंगे आप उनको हंसा रहे हैं, तो बड़ा आनंद का समय होता था। लेकिन ये बात सच है कि इंटरनेट में अज्ञे के बारे में हर कुछ मिलेगा और बाबा के भी बारे में अच्छी बुरी सब बातें मिल जाएंगी जी, लेकिन उनके साथ रह के जो अनुभव और अनुभूति सचमुच होगी वो मुझे नहीं लगता है कि उस टिप्स पर इंटरनेट में आपको मिलेगा। वो जो रक्त मांस मज्जा उनका है, वो जो उनकी हंसी और मुस्कुराहट है, उसका अनुभव आप कैसे करेंगे इंटरनेट पर, देख लेंगे तो नहीं होगा। आजकल के जो युवा लेखक हैं जो हम अभी देख पाते हैं सोशल मीडिया पर या अखबारों में भी बहुत बार पढ़ने को आ जाता है, पत्र पत्रिकाओं में भी आ जाता है, काफी एक दूसरे को लेके प्रतियोगात्मक भाव है और बड़ों के प्रति कहीं ना कहीं वो खेमे में बट गए हैं। आपने अभी उदाहरण दिया कि बाबा नागार्जुन के समय में, अज्ञे जी के समय में सार्वजनिक रूप से वो लोग इस तरह का भाव नहीं देते थे, इसकी वजह क्या देखती हैं आप? इसकी वजह मैं पहले तो देखती हूँ मानवीयता, दोनों में मनुष्यता थी, जरूर दोनों की विचारधारा अलग अलग थी लेकिन दोनों में मनुष्यता थी, और साहित्य में जब तक मानवीयता नहीं हो तो कौन सा साहित्य आप रचेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जब अज्ञे जी से मैंने कहा था कि बाबा ने मुझे उपन्यास लिखने के पहले ऐसा कहा था कि आपको पढ़ना चाहिए, आपके पास नए शब्द भाषा भाव हैं, मैंने कहा, तो अज्ञे जी ने कहा बाबा के पास बहुत नए शब्द हैं, शब्द बनाना उनसे अधिक कौन जानेगा, और उन्होंने बहुत सारे शब्द बताए, अज्ञे जी ने ये है वो है वो है, ये सब क्या है कहाँ है, ये सब नए,
मैंने कहा आपके बारे में भी तो मैं भी कह देती हूँ, और बाबा तो और भी ढूंढ देंगे, दो चार मैंने उनको बताया। तो मुस्कुराने लगे और कहा जो देखिए उसका कारण है कि बाबा गंभीरता से संस्कृत बाबा ने पढ़ा है पूरी तरह से, और सारी बहुत सारी भाषाओं को जानते हैं, मैं उतना नहीं जानता। जब बाबा से मैंने ये बात कही तो बाबा ने कहा वो एक नंबर का झूठा है, ऐसे ही कहा एक नंबर का झूठा है, वो तो संस्कृत से ही उसकी पढ़ाई शुरू हुई है, वो क्या बोलेगा, उसको क्या बोलेगा, क्या उसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ था, वो गायत्री मंत्र नहीं जपता था, और वो उसने जितने शब्द बनाए हैं, मैं तो थोड़ा लोक मानस का शब्द लेके बनाता हूँ, उसने अधिक शब्द संस्कृत से ही लेके बनाया। ऐसा इन लोग एक दूसरे को, अब बीच में माध्यम होती थी, इससे बड़ा आनंद आता था कि हमको जानकारी भी तो मिलती थी, और दोनों में इस तरह का भाव मैंने देखा। और दूसरी बात, ये जो विचारधारा का झंझट है, ये सारा बहुत है, जिन विचारधाराओं के कारण आज हमारी ही पीढ़ी या हमारी पीढ़ी से तुरंत बाद वाली पीढ़ी, फिर आप लोगों की पीढ़ी, मैंने पता नहीं क्यों रूढ़ हो गए, ये मुझे समझ में बात नहीं आती है, रूढ़ हो गए। क्या समाज में एक ही विचारधारा के लोग रहते हैं, एक ही, जब एक धर्म के एक जाति के लोग नहीं रहते हैं, एक दिमागी अकल के एक जैसे नहीं, शारीरिक श्रम के एक जैसे नहीं, तो फिर विचारधारा अपनी जगह है, आदमी का मानवीय संबंध अपनी जगह। हमारे ही मित्र, हम एक गांधीवादी परिवार के हैं तो उसका उसकी बहुलता मेरे अंदर है। हमारे ही मित्र एक तरफ जिसको आप आरएसएस कहते हैं, उसके भी बड़े से बड़े और छोटे से छोटे, और हमारी बहुत सारी मित्र उसमें रह चुके हैं, जिनको जब टिकट वकट मंत्री उंत्री रह चुके हैं और टिकट विकट नहीं मिला, और हमने कहा कि भाई आपको कांग्रेस वाला खोज रहा है कि आपको टिकट भले आपके पार्टी से नहीं मिला, कांग्रेस वाला टिकट देगा और आपकी मेजोरिटी वहां है तो आप खड़ी हो जाइए। उन्होंने कहा, मैंने कैसे कैसे कठोर लोग मेरे साथ हैं, कहा जीवन भर मैं संघ की व्यक्ति हूँ और संघ ने मुझे बहुत दिया है और उनकी पार्टी ने भी मुझे दिया, मंत्री तक रही हूँ, मैं ये छोड़ करके कांग्रेस में नहीं जाऊंगी, कांग्रेस से कोई द्रोह नहीं है, लेकिन मैं तो उस विचारधारा की हूँ नहीं, मैं नहीं जाऊँ, वो मेरे परम मित्र है। इसी तरह जो माले, जो सबसे कठिन पार्टी है बिहार में, सबसे उग्र वही ना वामपंथी पार्टी है, उसकी भी हमारी परम मित्र है, सीपीआई सीपीएम वाली सब हमारी मित्र हैं, तो है। मैं चाहे जिस भी विचारधारा की हूँ, मैं सामाजिक रूप से सभी के साथ मेरा अच्छा संबंध है, क्योंकि आप अगर सट जाइएगा कोई संघ वाला, मेरे में तो कुछ लग नहीं जाएगा, नहीं कोई वामपंथी सट जाएगा तो कुछ लग जाएगा। इसीलिए ये सारी जो कुछ बातें हैं ना, तो ये जो समाज जो बेमतलब विभक्त हुआ है, इसमें कोई कोई निर्माणात्मक कार्य बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। जब दूध फटता है तो उसकी दही नहीं जमती है, उससे आप जो मन बना लीजिए। तो समाज का दूध जो फट रहा है, वो अगर साहित्य में भी फट जाए, अरे राजनीति वालों को कुर्सी चाहिए, हमें आपको क्या चाहिए? सही बात। और हम आप हमारा आपका भी अगर दूध फट जाए तो फिर हम क्या कहें, क्योंकि सचमुच में साहित्य जो है समाज का विषय है, राजनीति तो बैठाती है ना, कुर्सी पर बैठती है समाज के बल पर, लेकिन साहित्य रास्ता दिखाता है, और रास्ता दिखाने वाला ही अपना दूध फाड़ देगा तो फिर क्या, मेरा अपना ऐसा। अब नए लोगों के मन में ये विचार ना हो तो हम तो चाहते हैं कि ये हो, और ना हो तो हम क्या कर सकते। भाषाओं को लेके जो अभी टकराव है, मैं देख रहा हूँ कि समाज में हर विषय पर एक कट्टरता हावी है, पहले उस रूप में नहीं था। आप जो बता रही हैं, आपने बताया अपने गांव का, एक बिहार के सबसे संघर्षपूर्ण गांव में, कश्मीर गुजरात एक इलाके में, वहां के लोग आए, अलग अलग भाषा के लोग आए, आप बता रही हैं कि जाति का कोई बंधन नहीं था,
मतलब समाज का जो सबसे पिछड़ा तबका है, दलित, मुसहर और पासवान और ब्राह्मणों के बीच कोई विभेद नहीं था। एक ऐसे समाज से जब आप आधुनिक समाज में जब आती हैं, हम जिसको आधुनिक कहते हैं आज की दिल्ली, जहां पे जातिगत और धर्मगत भेद हो रहा है, तो समाज को आप किस दिशा की तरफ जाता हुआ देख रही हैं? क्या ये बंटवारे की तरफ जा रहा है मानसिक तौर पर, आत्मिक तौर पर और सामाजिक तौर पर, या अभी कोई गुंजाइश बाकी है? आखिर हम इसको बच कैसे सकते हैं? बतौर साहित्यकार आप क्या कोई समाधान देख पा रही हैं? एक तो ये तो जातीय जो है वो सब चूंकि राजनीति में सब तब्दील हो गया है ना, जैसे अब गांव-गांव में पंचायत चुनाव तक में वो सब हावी हो गया है, तो इस तरह की बातें हो रही हैं, तो वैमनस्य का झूठ मुठ का झंडा उठा कर रहता है। आप भाषाई बात पर शुरू किया था आपने, और ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है, भाषाई प्रश्न गंभीर है, विशेष रूप से हमारे जैसे लोगों के लिए। जैसे हम मैथिली भाषी हैं, मैथिल हैं, मैथिली भाषा हिंदी से पुरानी है, सब जानता है, वो संस्कृत के तुरंत बाद की भाषा है, और उसके पास सब कुछ है, व्याकरण है, पूंजी है, उसके पास हर तरह की पूंजी है मैथिली भाषा के पास, उनकी अपना स्क्रिप्ट भी है उनके पास, और हिंदी बाद में बनी, हिंदी बनने के कारणों को भी आप लोग सब जानते हैं। जी जी। हमारे जैसे लोग जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो के और एक रूपता लाने के लिए अगर हिंदी को लोगों ने अपनाया, तो हम लोगों ने अपनाया, मैथिली तो मातृभाषा है ही है, उसको तो छोड़ ही नहीं सकते। जब हम लेखक बनने को आगे आए, तो बाबा ने कहा नागार्जुन ने कि लिखना तो मैथिली में भी लिखना, मातृभाषा है, छोड़ना मत। मैथिली लिखना मेरे लिए थोड़ा शुरू में कठिन था, कारण ये कि मैथिली की पढ़ाई तो नहीं ना बचपन से होती है, अगर पढ़ाई अभी भी आपको इंटर में जाके मैथिली प्राप्त होगा, उसके पहले नहीं, तो हमारी स्वाभाविक शिक्षा की भाषा तो हिंदी ही होती है, मैथिली हमें सीखना पड़ता है लिखना, और ठीक है उसकी पत्रिकाएं निकलती, खूब होता है सब कुछ, लेकिन सीखना पड़ता है बोलने की नहीं लिखने। अब जो है सो मैथिली और हिंदी का अकारण द्रोह, अष्टम अनुसूची में मैथिली चला गया तो कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि उनके पास उसके योग्य हर कुछ है, चला गया ठीक है। अब अकारण उनका द्रोह ये कि हिंदी मुझको बोली कह रहा है, जबकि हिंदी उनको बोली क्यों कहेगा, वो तो भाषा का दर्जा पा चुके हैं, और अगर हिंदी उनको बोली कहता है तो हमारा जाता क्या है, बोलो तो मुझे बोली, सही बात। हाँ तो भाई बोलते रहो, हम तो बोली है नहीं, हम तो भाषा है, हमको चुनने की जरूरत नहीं। ऐसे ही हिंदी वाले यहाँ पर हिंदी के प्रोफेसर लोगों ने मुझे एक कहा कि राजभाषा विभाग का कोई कार्यक्रम था जो इसमें आपको बोलना है हिंदी के पक्ष में, हमने कहा ठीक है, तो क्या, तो नहीं मतलब ये कि विद्यापति को हिंदी से हटाना आवश्यक है। हमने क्यों विद्यापति को हिंदी से हटाना क्यों आवश्यक है, तो इसलिए आवश्यक है कि अब वो अष्टम अनुसूची में आ गया तो अपना विद्यापति को पढ़ाए। हमने कहा जो हम तो ये नहीं बोलेंगे, और अगर बोलेंगे तो ये जोड़ेंगे कि विद्यापति को अगर हिंदी वाले ना पढ़ें तो ये उनका घाटा है, विद्यापति का थोड़ी घाटा है। सही बात। तो आप हिंदी के इतने बड़े प्रोफेसर होकर ये बात कह रहे हैं, बंगला भाषा जो पढ़ाई होती है, बंगला साहित्य तो विद्यापति पढ़ाया जाते हैं, और हिंदी को पेट उसका पेट दर्द कर रहा है। तो ये जो भाषाई झगड़ा है ना, ये कोई स्वस्थ प्रतियोगिता नहीं है ना, प्रतियोगिता हो ना कि मैथिली वाले भी हिंदी से चिढ़ते हैं, उनके एक से एक लेखक हैं, जानते हैं इतनी अच्छी कहानियां और कविताएं मैथिली में लिखी जाती हैं, और आपको नहीं पता है, इसलिए अनुवाद नहीं होगा, क्योंकि हिंदी से बड़ी चिढ़ है, और हम पर नागार्जुन पर इस सब पर बहुत चिढ़े रहते हैं लोग, ये हिंदी लिखती है, अरे अजब हाल है, हम लिखेंगे आप क्या बिगाड़ दीजिएगा, लेकिन ये जो भाषा की झगड़ा है ये कोई स्वस्थ नहीं है, मैं इसे रुग्ण मानसिकता मानती हूँ। जिसको लिखना है जिस भी भाषा में लिखे, जिसको पढ़ना है वो पढ़े, और टीचर प्रोफेसर लोगों का जो ये काम है,
ये तो निहायत ही गरीब काम है। विद्यापति को हटा दोगे तो विद्यापति से तुम ही को घाटा है कि तुमने विद्यापति के शब्द उनके लालित्य को नहीं समझा, तुम्हारे पास वो प्राप्त नहीं हुआ जबकि बंगला को हो रहा था। ये बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी अपनी रचनाओं में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, कौन सी ऐसी रचना है जिसको लिखने के बाद आपको यह महसूस हुआ कि यही मैं लिखना चाहती थी और यही मैंने लिखा, तो किसको चुनेंगी? ऐसा कैसे कह सकते हैं हम कि कौन क्या है, सब में अलग अलग गुण अवगुण होता है। जैसे मान लीजिए जिसको मैंने बहुत परिश्रम से लिखा और वो सफल भी हो गया तो उसको मानेंगे कि ये बहुत ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि कोई रचना लिखने के बाद मैंने दूसरी रचना के लिए कलम नहीं उठा ली तो फिर हम कैसे संतुष्ट हुए। अभी तक मैं संतुष्ट नहीं हूँ। सृजनहार जितने समाप्त, ये है कि मैं एक मैथिली का लिख के समाप्त करती हूँ तो दूसरा हिंदी का लिखती हूँ, क्योंकि मैथिली में भी मैंने 6-7 उपन्यास लिखे हैं और हिंदी में भी, तो ऐसा नहीं है अभी तक मैं। इन दिनों क्या लिख रही हैं? अभी कुछ खास नहीं। अभी मैंने दिया है 2 उपन्यास, 2 प्रकाशनों से आ रहा है, 1 संस्मरण की किताब आ रही है और अभी अभी कोई खास योजना नहीं है, मगर छोटा उसका शीर्षक उसका शीर्षक क्या है जो आपका संस्मरण आ रहा है, वो किस नाम से आ रहा है? दिनांक के बिना। इसके बारे में कुछ बताएंगे? दिनांक के बिना आपने बिना तारीख के संस्मरण। हाँ, उसका ये है कि मैंने जो संस्मरण शुरू किया है तो मैंने पहले ही कहा कि कुछ सुना हुआ है और कुछ देखा हुआ है। मेरी परंपरा विशिष्ट है, भारत के लिए भी है लेकिन मिथिला के लिए है, उसमें भी मिथिला के ब्राह्मणों के लिए है, तो उस विशिष्ट परंपरा को लिखना चाहिए था, क्योंकि मैं क्यों ऐसी हूँ, मैं कुछ दूसरी तरह की जरूर हूँ, तो दूसरी तरह की क्यों हूँ ऐसी, इसलिए कि मेरी परंपरा दूसरी तरह से शुरू हुई थी। मेरे पिता तो एक पढ़े लिखे ज्योतिषी, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान के पुत्र थे, जो वो भी बहुत कम उम्र में मर गए उनके पिता। उनके दादाजी बहुत बड़े काश्तकार थे, वो जमीन जायदाद की इकलौते थे वारिस, और उन्होंने 13-14 साल की उम्र में पहले तिलकवादी फिर गांधीवादी हुए और उन्होंने अपनी शिखा काट के फेंक दी और जनेऊ तोड़ दिया। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय, जात से बाहर हो गए। उसके बाद उन्होंने मेरी माँ से, जब मेरे पिताजी 32 वर्ष के थे तब तक एक पत्नी का निधन हो गया था, छोटी थी तभी हो गया था, उनको कोई मतलब नहीं था, वो तो देश का कार्य कर रहे थे, खादी का कार्य कर रहे। मेरी माँ जो ब्राह्मण के मूल गोत्र ही मिलाया हुआ, ऐसी बाल विधवा से विवाह किया, वहीं बगल के ही बहुत बड़े गांव से, सब दोनों गांव प्रसिद्ध है, किया। तो ये अपने समय का तो अजूबा था और कोई कड़ी नहीं बनी। इतना अधिक कट्टर समाज है मिथिला का कि उसकी कोई कड़ी नहीं बनी, और समझिए जो एक तरह से जात बाहर थे तो थे, उसकी कोई परवाह नहीं। अभी मेरे भाई ने ही एक दिन कहा मुझको, जो बहन हम लोग अपने बाबूजी जैसे, मैं तो नहीं हूँ या हमारे कोई भाई नहीं है, हम लोग तो जनेऊ पहन रहे हैं और बाबूजी उसको तोड़ के फेंक दिया। तो मैंने कहा इसलिए कि तुम्हारा पालन पोषण बाबूजी के हाथों हुआ नहीं, जब 1-3 महीना का था, कोई 2 साल का था तभी तो गुजर गए, तो पालन पोषण हमारे ससुर जी थे मित्र, तो वो तो एक पंडित थे, ब्राह्मण थे, ठीक है क्रांतिकारी टाइप के मनुष्य थे, लेकिन पूरी तरह पंडित, 4 विषयों के वो गोल्ड मेडलिस्ट पंडित थे और बहुत विख्यात व्यक्ति थे, तो उन्होंने तो जनेऊ किया तुम लोगों का।
जो तुम्हारा किया, जो गार्जियन बदल गया ना तुम्हारा, जैसे मेरा गार्जियन बदल गया, तो जो गार्जियन कहता है वो भी मैं करती हूँ। लेकिन तो वो सारी कहानियां कि मेरे पिता कौन परिस्थिति, वही मैंने आपसे कहा कि जो कुछ उन्होंने झेला मैंने नहीं झेला, कुछ नहीं झेला। मैं तो मैंने फूल की तरह पाली गई, पहली बच्ची थी, और मैं इतने सारे विचित्र विसंगतियों को पार करके हमारे पिता और उसके बाद मेरी माता। अब बताइए कि दूसरी बार 31 वर्ष की विधवा कैसे अपने बच्चों को अकेले पाली। तो जो कुछ किया सो उसने, उन लोगों ने सहा, उन सारी बातों को मैं लिख रही हूँ, जो कुछ हमारे पिताजी को पालने वाले, उनके माता पिता नहीं रहे थे, पालने वाली उनकी बाल विधवा बुआ ने जो जीवन भर कहा, और जो और लोगों ने कहा, जो मित्रों ने कहा पिताजी के बाद में, पिताजी के विषय में, जो जेल में उनके साथ थे, जो हमेशा गंगा सदन सिंह टाइप के लोगों ने, नागार्जुन ने मुझे कहा कि तुम्हारे पिता जैसा ओरिजिनल कोई नहीं होगा। मैं नहीं, ऐसे उन्होंने कहा, मैथिल ब्राह्मणों वाला कोई अवगुण उनमें नहीं है, मुझ में है। ये छोटी बात नहीं थी, ये बहुत सारी बड़ी बात। बात, हाँ, ये सारी बातें जो मैं लिख रही हूँ उसका दिनांक मुझे नहीं मालूम है। उन परिघटनाओं के विषय में मैं लिख रही हूँ ताकि लोग जाने कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरे विषय में भ्रम ना हो। मेरा यही बैकग्राउंड। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मैं श्रोताओं को बता दूं कि अगले बुधवार ऐसी ही किसी एक शख्सियत के साथ मैं फिर आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए देखते रहें साहित्य तक।